बहुत समय पहले की बात है, नागलोक में रहने वाली उर्मिला नागिन ने पृथ्वीलोक के एक साधारण से लड़के विकास से शादी की थी। विकास से शादी करने के बाद नागिन ने अपने शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत की और कुछ समय बाद ही एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। बेटे को जन्म देने के कुछ साल बाद ही नागराज ने उर्मिला नागिन को वापस नागलोक में रहने को कहा। देखते देखते 24 साल बीत गए। इन 24 सालों में उर्मिला नागलोक में रहती थी और बस कभी कभी अपने बेटे और पति के पास आती थी। एक दिन जब वो पृथ्वीलोक पर अपने पति विकास से मिलने आती है तो विकास उससे कहता है, उर्मिला, अपने राहुल का रिश्ता पक्का हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है। ये सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुई। मुझे एक नागिन जीवन में ये सब देखना एक सपने जैसा लग रहा है। वैसे उर्मिला, हमारी शादी को कितने साल हो गए, लेकिन अभी तक तुम्हारी ये शुद्ध हिंदी बोलने की आदत खत्म नहीं हुई। विकास जी, आपको याद नहीं है क्या कि मैं एक नागिन हूँ? वो तो हमारे ऊपर भोलेनाथ की कृपा है कि एक इंसान से शादी करने के बावजूद मुझसे मेरी नागिन शक्तियाँ नहीं छीनी गई और नागराज ने मुझे समय समय पर धरती लोक आने की इजाज़त भी दे दी, वरना मुझे नागलोक के आप दोनों में से कोई एक चुनना पड़ता। ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो भाग्यवान। इतने साल हो गए लेकिन अभी तक हमारा बेटा भी ये बात नहीं जानता कि उसकी माँ एक इच्छाधारी नागिन है। लेकिन भाग्यवान, अब तुम्हें हमेशा के लिए यहीं रहना होगा, क्योंकि अब तुम्हारी बहू आने वाली है और तुम सास बनने वाली हो। बहू घर में नई नई आएगी तो घर में एक समझदार औरत का होना जरूरी है। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मुझे भी लगता है कि मेरा नागलोक त्यागने का समय आ गया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय और दीजिए। उर्मिला सोच में पड़ जाती है। कुछ समय बाद नागलोक लौटने पर वो नागराज के सामने सारी बात कहती है। उसकी बातों पर विचार करते हुए नागराज कहते हैं, उर्मिला नागिन, एक इंसान से शादी करने के बावजूद आपसे आपकी शक्तियाँ नहीं छीनी गई, क्योंकि उस समय नागलोक को आप जैसी शक्तिशाली और जहरीली नागिन की आवश्यकता थी, परंतु आपने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से व्यतीत की। अपने पति और बेटे को पृथ्वी लोक पर छोड़कर आपने अपना कर्तव्य निभाया, इसलिए अब आपके नागलोक त्यागने से मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करूंगा। मैं आपको खुशी खुशी इजाजत देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नागराज, मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। लेकिन उर्मिला, नागलोक त्यागने और पृथ्वी लोक को अपनाने का मतलब ये नहीं कि आप अपने नागिन रूप से आजाद हो जाएंगी। कड़ी तपस्या के बाद आपने नागिन रूप और ये शक्तियाँ प्राप्त की है, इसलिए आप अपने प्राण त्यागने तक एक इच्छाधारी नागिन ही रहेंगी। इसलिए अब आप जहाँ भी रहें, 24 घंटे में एक बार आपको अपना असली रूप में आना ही पड़ेगा, वरना आप खुद ही धीरे धीरे नागिन रूप में आने लगेंगी। मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ गई नागराज, अब मैं चलती हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। उर्मिला नागिन नागलोक त्याग कर पृथ्वीलोक पर आ जाती है, परंतु उसके आने से पहले ही उसके बेटी की शादी हो जाती है। अब तो घर में बहू आ चुकी थी। उर्मिला नागिन अपना सारा सामान लेकर अपने घर पहुँचती है, तभी अपनी माँ को देखकर राहुल कहता है, माँ, तुम आ गई माँ। राहुल की बात सुनकर प्रीति कहती है, माँ, अच्छा, ये है मेरी सासू माँ। हाँ बेटा, अब मैं हमेशा के लिए यहीं आ गई हूँ, अब मैं तेरे साथ ही रहूँगी। हाँ माँ, मुझे पापा ने बताया था कि नाना की तबीयत अब ठीक रहने लगी है। आओ माँ, बैठो। और प्रीति, तुम खड़ी क्यों हो? माँ का आशीर्वाद लो। सासू माँ, एक बात बताइए ना, ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो आप अपने परिवार वालों के साथ ना रहकर अपने मायके रहती थी? यहाँ तक कि आप अपने खुद के बेटी की शादी में भी नहीं आई। शादी की तैयारियों से लेकर सारे रीति रिवाज ससुर जी ने संभाला। माफ करना बेटी, मैं अपने पिता के खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हीं के साथ रहती थी। मैं उनकी देखभाल में व्यस्त थी, पर अब तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारी सास होने के नाते सारे कर्तव्य को पूरा करूँगी। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन आप 7वीं सदी के लोगों की तरह हिंदी के वर्ड्स का यूज क्यों करती हैं? तभी एकदम से विकास आ जाता है और कहता है, अरे बहू, तेरी सास की तो आदत है ऐसे बात करने की। जा बेटा, अपनी सास के लिए जरा चाय नाश्ता लिया। जी ठीक है।
अब उर्मिला नागिन सास बन चुकी थी, लेकिन सास और बहू के रिश्ते का उसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, जिसके लिए उर्मिला अपने पति विकास के कहने पर टीवी में सास बहू वाली सीरियल देखना शुरू करती है। एक दिन वो टीवी में सीरियल देख रही थी, तभी उसके बहू प्रीति उसके पास आकर कहती है, सासू माँ, मैं खाने में क्या बनाऊं? आलू की सब्जी या शिमला मिर्च? चुप कर कलमुही, ये बता रसोड़े में कौन था? तू थी, मैं थी, कौन था? सासू माँ, किसके रसोड़े में कौन था ये भला मुझे कैसे पता होगा? और आपकी भाषा अचानक से टीवी सीरियल की तरह कैसे हो गई? ऐसा लग रहा है आप टीवी सीरियल्स में विलन सास का रोल निभा रही हो। अरे नाशपीटी, तू ही तो कहती थी कि मैं पुराने जमाने की तरह बात करती हूँ, तो इस टीवी पर देखकर मैंने सब सीख लिया है। उर्मिला की बात सुनकर प्रीति खुद से ही बोलने लगती है, हे भगवान, सही कहती थी मेरी माँ, ये टीवी सीरियल्स बहुत पहुँची हुई चीज है, मेरी अच्छी खासी सास को बिगाड़ दी। इतना सोचकर प्रीति अपने सासू माँ से कहती है, सासू माँ, क्या बनाना है खाने में? एक काम करना, जहर के पराठे बना दे, बहुत दिन से नहीं खाया। क्या, जहर के पराठे खाओगी आप? हे भोलेनाथ, ये क्या निकल गया मेरे मुंह से? अरे बहू, तेरे कानों में खराबी हो गई है, मैंने बोला कि आलू के पराठे बना ले। अच्छा, तो आपको ऐसा बोलना चाहिए था ना, लेकिन आलू के पराठे तो आज सुबह ही हमने खाए थे। अरे तो क्या हो गया, बना लेना दोबारा से, काम करने में तो मौत आती है तुझे। फिर प्रीति बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। इसी तरह काफी समय बीत जाता है। उर्मिला नागिन सास बहू के सीरियल देख देख कर अपने आप को एक टिपिकल सास की तरह बना लेती है। एक रात खाना खाने के बाद नागिन अपने पति विकास से बातें कर रही थी, तभी उसका शरीर बदलने लगता है, उसकी त्वचा सांप जैसी होने लगती है। लगता है मुझे अपना नागिन रूप लेना पड़ेगा, आज मैं पूरे दिन में एक बार भी नागिन रूप में नहीं आई हूँ। अभी सही समय है, तुम नागिन रूप में आ सकती हो। उसके बाद उर्मिला अपने नागिन रूप में आ जाती है। वो एक साधारण सांप का रूप ले लेती है और अपने कमरे से रेंगती हुई घर से बाहर जाने लगती है। तभी पानी पीने के लिए प्रीति हॉल में आती है। वो घर में सांप को रेंगता हुआ देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, सांप, सांप, राहुल जी, ससुर जी, हमारे घर में सांप आ गया। प्रीति की आवाज सुनकर दोनों अपने अपने कमरों से बाहर आते हैं। तभी प्रीति नागिन का रूप धारण की हुई अपनी सास को खिंचा खिंचा कर चार डंडे मारती है, तो वह सांप तेजी से रेंग कर घर से बाहर भाग जाती है। अगले सुबह प्रीति चाय लेकर अपनी सास के कमरे में जाती है। वहां वो देखती है कि उसकी सास बेचारे कमर पकड़कर बैठी हुई है। सासू माँ, सुबह सुबह कमर पकड़कर क्यों बैठी हो? ये सब तेरे चलते हुआ है कलमुही, मेरी कमर तोड़ दी तूने, तू क्या पिछले जन्म में जल्लाद थी? ये तेरा बाप जल्लाद था। अरे लेकिन मैंने क्या किया, खामखा मुझे सुना रही हो। आपको पता भी है कल रात को घर में सांप घुस गया था, सारे डर गए थे, कोई कुछ भी नहीं कर पाया, मैं थी जिसने उस सांप को डंडे मारकर वहां से भगाया। अरे पिशाचनी, वो कोई सांप नहीं बल्कि वो तो मैं। अरे भाग्यवान, चाय ठंडी हो रही है, फालतू की बातें छोड़कर पहले चाय पी लो। अरे ससुर जी, आप, मुझे पता नहीं चला आप कब आए, आप दोनों चाय पी लीजिए, मैं चलती हूँ। प्रीति के जाते ही विकास उर्मिला पर गुस्सा करते हुए कहता है, पागल, अभी तुम बहू का सब सच बताने वाली थी। हाँ तो क्या करती, देखा नहीं आपने कल रात कैसे उसने मेरे ऊपर डंडे बरसा दिए। तुम मनुष्य जाति इतना जालिम व्यवहार क्यों करते हो हम नाग नागिनों को देखकर? अरे भाग्यवान, जो हो गया वो हो गया, क्या चाहती हो तुम कि बहू को पता चल जाए कि उसकी सास एक इच्छाधारी नागिन है? ये बात सुनकर दरवाजे पर नमकीन की प्लेट लिए खड़ी प्रीति के हाथ से प्लेट छूट जाती है। उर्मिला और विकास उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी उर्मिला कहती है, बहू तुम यहाँ? वो मैं नमकीन लेकर आई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नहीं आना चाहिए था। तभी वहाँ पर राहुल आ जाता है, तो उर्मिला सच को और ना छुपाते हुए अपने बेटे और बहू को सारी सच्चाई बता देती है, जिसे सुनकर राहुल हैरान हो जाता है। वो कहता है, माँ सच में आप इच्छाधारी नागिन हो? मैं इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा, लेकिन आप मेरी माँ है और यह बात कोई झुठला नहीं सकता, तो मुझे आपकी इच्छाधारी नागिन होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
राहुल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सासू माँ, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। अगर आप मुझे पहले बता देती तो मैं आपको कल डंडे नहीं मारती। चुप कर अकलमंद, अभी गरम तेल लगाकर मेरी कमर की मालिश कर। ठीक है। वैसे सासू माँ, आप मुझे एक बार अपना नागिन रूप लेकर दिखाओगी क्या? मैंने आज तक कभी लाइव इच्छाधारी नागिन नहीं देखी। अच्छा, तू कहे तो मैं तुझे लाइव डस कर दिखा दूँ। बता, दिखाऊँ? नहीं सासू माँ, आप तो सीरियस ही हो गई। मैं तो बस मजाक कर रही थी। प्रीति की इस बात पर सभी घर वाले हंसने लगते हैं। अब सबको पता चल गया था कि उर्मिला एक इच्छाधारी नागिन है, परंतु किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब वो पूरा परिवार अपना जीवन हंसी खुशी से व्यतीत कर रहा था।